बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लोग आजकल ये सवाल पूछते रहते हैं कि सदक़े फितर कब और किन पर वाजिब होता है और उसका मसरफ क्या है। तो इसका जवाब है, जो मुसलमान इतना मालदार हो कि उस पर जक़ात वाजिब हो या उस पर जक़ात तो वाजिब नहीं, लेकिन जरूरी असबाब से जायद उतनी कीमत का माल या सामान उसके पास मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुँचती हो, तो उस पर ईद उल फितर के दिन सदका देना वाजिब होता है, चाहे वो माली तिजारत हो या न हो, और चाहे साल पूरा गुजर चुका हो या न गुजरा हो, और उस सदका को शरा में सदके फितर कहते हैं। ईद उल फितर के दिन जिस वक्त फजर का वक्त आता है, यानी जब सहरी का वक्त खत्म होता है, उसी वक्त ये सदका वाजिब होता है और ईद की नमाज के लिए जाने से पहले पहले उसे अदा करना जरूरी है। अगर ईद उल फितर की नमाज से पहले अदा न किया गया तो बाद में भी अदा करना होगा, लेकिन बाद में अदा करने से उस सदका की फजीलत खत्म हो जाएगी और ये आम सदका बन जाएगा। नीज ईद उल फितर की नमाज के बाद तक ताखीर मकरूह है। गरीब की जरूरत को मद्देनजर रखकर ये सदका ईद उल फितर से पहले रमजान मुबारक में भी अदा किया जा सकता है। सदके फितर का मसरफ वही है जो जकात का मसरफ है, यानी उन लोगों को सदके फितर दे सकते हैं कि जिनको हम जकात देते हैं, उनको सदके फितर भी दे सकते हैं। यानी मुसलमान हो, फकीर हो और सैयद यानी हाशमी ना हो, तो उन सबको सदके फितर हम दे सकते हैं। वल्लाहु आलम।